देखो यमुना पे कितना पानी का बहाव है और कितना पानी भर गया है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग मिलके सब लोग जा रहा हूँ कैलाश मंदिर पे। तो आगे क्या कहाँ पे जाते, क्या क्या करते हैं, सब कुछ बताएंगे, दिखाएंगे आप लोग। तो आज का शिव जी की पारखंबा भी निकलने वाला है रात से, तो चलो क्लास मंदिर से घूम के आते हैं। और कल है सोमवार और कल हम पूजा करने भी जाएंगे, वो वाला ब्लॉग भी आएगा। और यमुना की पानी भी बढ़ गया है, वो भी दिखाऊंगी कितना पानी बढ़ गया है। और हर तरफ इतना मतलब वो पानी बढ़ने की खबर वगैरह आ रहे हैं ना, तो मैं सोच रही चलो घूम के ही आती हूँ। और फ्री भी हूँ, हाँ जब लोग स्कूल भी नहीं था, संडे ट्यूशन भी छुट्टी है, तो चलो घूम के ही आते हैं। तो चलो चलो फिर मिलते हैं। हम घर से निकल चुके हैं और ज़्यादा दूर भी नहीं है, जल्दी यहाँ और आज चले जाएंगे 5 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। हेलो दोस्तों, तो जाते जाते देखा कि हर जगह थोड़ा पंडल जैसी हुआ है, क्योंकि रात से ही पारखंबा के लिए सब लोग निकल जाएगा, इसीलिए भंडारा भी चलेगा उन भक्तों की सेवा के लिए। और बहुत लोग तो पानी की भी व्यवस्था किया है। और हम अभी जा रहे हैं कैलाश मंदिर, तो चलो। और यहाँ पे अभी से ही दुकान पाट शुरू हो गए, और इधर देखो भंडारा के लिए खाना वाना बना रहे सब लोग प्रसाद। और दुकान छोटे छोटे बच्चों के खिलौने वगैरह अभी आया है, और भी दुकान पाट बैठने वाला है थोड़ी देर बाद। हम तो 4 बजे ही आए थे, इसीलिए धूप वगैरह थे। शाम होते ही परखंबा भी स्टार्ट हो जाएगा और सब लोग आना भी शुरू कर देंगे। तो हम लोग आ गए मंदिर पे, तो देख आ चुके मंदिर पे, चलो। तो देखो यमुना की हालत देखो, पानी कितना बढ़ गया है और कितना तेज है, पानी की बाफ कितना तेज है। और इधर बंद कर दिया है, देखो कितना तेज बहाव पानी है यमुना की, और बहुत ऊंचा आ गया पानी। कितना पानी भर गया यमुना पे, इतना बहाव भी कह नहीं सकते, बहुत पानी भर गया है, पहले से बहुत पानी भर गया है। अब वो झोपड़ी भी डूब गए, जब थोड़ी सी पानी आ जाए तो फिर मंदिर पे पानी आ जाएंगे। 2 फुट बाकी है, तो देखो और 4-5 सीढ़ी ऊपर ही अगर पानी आ जाए तो पूरा मंदिर पे पानी घुस जाएगा। रात से पारखंबा स्टार्ट हो जाएगा और अभी से सब लोग पूजा करने आना शुरू कर दिया है। और हम कल पूजा करने आएंगे, और जब शाम हो गए अभी, और अब देखो उधर दान पेटी में दान देने गया है। आ जाओ नमो करो, बजा हाँ चले आसो। तो रात से पारखंबा स्टार्ट होगा, सब लोग तिलक विलक लेके बैठ गया है। और मिस्टर जी देखो तिलक लगाने के लिए, तो चलो रहने दो, कल लगाओ, चलो। और भी लोग आएगा तिलक लगाने। और रात से तो शाम से ही बहुत भीड़ हो जाएगी इधर, और रास्ते से तो पैर रखना भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसा भीड़ होगा। आज का पारखंबा निकलेगा बालकेश्वर के लिए, बालकेश्वर सब जाएंगे बालकेश्वर मंदिर पे। यहाँ से निकल के यहाँ से पहले ही स्टार्ट होता है, यहाँ से निकल के इधर और एक मंदिर है, वहाँ पे 2-3 मंदिर रुक के फिर सीधा बालकेश्वर जाता है, भोले जी के भोले बाबा की सिर पे पानी डाल दें। तो चलो अगर जाऊँ तो दिखाऊंगी, तो चलो। तो
मंदिर से निकल चुके हैं और अभी इधर जा रहे हैं। इस साइड में ही एक ब्रिज है यमुना नदी के ऊपर से, तो उसे मैं जा रही हूँ, पहली बार जा रही हूँ। मिस्टर जी तो बहुत बार गया है, आज दोपहर को भी घूम के आया है, तो मैं कह रही हूँ मुझे भी लेके चलो। और इधर एक देखो कितना सुंदर लग रहा है, एटा की हम जा रहे हैं ब्रिज की तरफ, तो चलो। अभी जा रहे हैं और इधर से का पूरे आगरा में पानी जाता है, ये जो नल देख रहे हो बड़ा, एक पूरा आगरा में पानी जाता है इस साइड से। और हम अभी ऊपर चल रहे हैं और ऊपर से पूरा देखेंगे यमुना की कितना पानी हो गया है कि नहीं, चलो दिखाती हूँ। मम्मी डर लग रहा है, देखो इस साइड से देखो कितना खतरनाक हो गया यमुना भी भाई गोती से। तो देखो खेत में भी पानी आ गया, वो वाला खेत तो डूब ही गया है। और देखो विशाल स्रोत, और उस साइड देखो बहाव कितना आ रहा है, देखो बाबा डूबे जाती है पानी कैसे जा रहा है देखो। और रही कैलाश मंदिर, टीवी देखते थे ना कई दिन तक, और कैलाश मंदिर तो थोड़ी सी 2 फुट ऊपर पानी आ जाए तो कैलाश मंदिर के अंदर भी पानी घुस जाएगा देखो। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं और आप लोग भी देख पाए कि धीरे धीरे सब लोग पारखंबा के लिए निकल रहा है और शाम तो हो ही चुका है। और इस साइड में हमारी गली में ही पागला देखो आ गया है लग रहा है, हमारी गली में ही डीजे फीजे लगवाया है और इधर भंडारा भी होगा थोड़ी देर बाद ही। तो चलो ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगेगा, तो जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगी तो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक बाय बाय और बम बोले, तुम बोलो बम बोले।